नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुव्यापकं ब्रह्मविद स्वरूपं अजम निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशभासं भजेयम्। शिवरात्रि में बहुत ही अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मैं 4 बजे आया था मंदिर खोलने, तब से लेकर अब तक काफ़ी भीड़ हो रही है। काफ़ी लोग बड़ी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं और हमारे थाना रायपुर की तरफ से भी, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी व्यवस्था किया गया है। सुबह 2-3 राउंड आरक्षी व्यवस्था, पुलिस वाले यहाँ आ गए हैं, देख रेख कर रहे हैं। सब अच्छी से चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पर, अच्छा चल रहा है। मेरे तरफ से लोगों के लिए यह है कि शिवरात्रि में जैसे हम शिवरात्रि का उपवास तो कर रहे हैं, व्रत करते हैं, व्रत केवल मानसिक व्रत भी होना चाहिए, खाना न खाने को ही व्रत नहीं कहते हैं। व्रत के दिन में हम अपने को भी कष्ट न दें सभी से भी, और हमें मुंह से ऐसे वचनों का उच्चारण करें हमारे वचन के द्वारा किसी की आत्मा को पीड़ा नहीं पहुँचना चाहिए। तीसरा होता है मानसिक व्रत, मानसिक यानी कि किसी के प्रति बुरा न सोचे, इसीलिए होता है। व्रत का मतलब केवल खाना न खाना नहीं होता है, व्रत का मतलब मन को भी व्रत करना है, मन से व्रत करना है, मन को शुद्ध करना है, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचता है, शरीर से भी किसी को, जीव हो, बच्चे हो, बानर हो, जानवर हो, किसी को भी कष्ट नहीं देना है, तभी हमारा व्रत सफल होता है। और वचन से भी क्या होता है कि अगर आप किसी को हाथ से कष्ट देते हैं उसका दिल थोड़ी देर के लिए दुखता है, परंतु अगर वचन से कोई ऐसे शब्दों का हम उच्चारण करते हैं तो उसका मन जो है जीवन के लिए दुखता है। इसलिए हमें ऐसे कोशिश करना चाहिए कि व्रत के दिन में किसी को भी हमारे द्वारा कोई कष्ट ना हो, तभी हमारा व्रत सफल होता है।